तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे शिंगल्स वैक्सीन के बारे में। शिंगल्स जो कि शिंगरिक्स वैक्सीन के नाम से अवेलेबल है, जो कि एक रिकॉम्बिनेंट जॉस्टर वैक्सीन है। ये वैक्सीन आपको प्रोटेक्ट करती है चिकन पॉक्स से होने वाली कॉम्प्लिकेशन, जो कि लंबे समय के बाद होती है, पोस्ट हर्पेटिक न्यूरेल्जिया और शिंगल्स, जो कि सीवियर एक्सक्रूशिएटिंग पेन करती हैं। CDC रेकमेंड करता है कि 50 साल से ऊपर इस वैक्सीन के 2 डोजेस देने चाहिए। अगर इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो 2 डोजेस के बीच में आप 2 to 6 months का गैप दे सकते हैं, लेकिन अगर वीक इम्यून सिस्टम है तो आप 2 डोजेस के बीच में 1 to 2 months का ही गैप दीजिए। CDC रेकमेंड करता है कि जिन पेशेंट्स का इम्यून सिस्टम वीक है उनमें आप 19 ईयर्स के ऊपर भी इस वैक्सीन के 2 डोजेस दे सकते हैं। एफिकेसी की बात करें तो 90% एफिकेसी है अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, और 68-91% एफिकेसी है अगर आपका वीक इम्यून सिस्टम है, और मैक्सिमम प्रोटेक्शन जो है वो विद इन फर्स्ट 7 ईयर्स ऑफ वैक्सीनेशन मिलती है। इस वैक्सीन को जो है वो अपर आर्म में दिया जाता है। किनको ये वैक्सीन लेनी चाहिए? जिनको प्रीवियसली शिंगल्स हो चुका है वो भी ले सकते हैं, जिनको प्रीवियसली चिकन पॉक्स हो चुका है वो भी ले सकते हैं, जिन्होंने चिकन पॉक्स की वैक्सीन ली है वो भी ले सकते हैं। प्रेगनेंसी में इस वैक्सीन को नहीं देना है। आपको शिंगल्स के फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीन के साथ सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस हुई हैं, नहीं लेना है सेकेंड डोज। शेयर टू स्प्रेड द अवेयरनेस। थैंक यू। फॉलो फॉर मोर टिप्स।